मैं दौलत सिंह गुसाई राजकीय इंटर कॉलेज संजीखाल जनपद पौड़ी गढ़वाल से विज्ञान महोत्सव के अंतर्गत हमारे स्टूडेंट आदित्य ने शैक्षिक खेल एवं गणितीय प्रतिरूपण के अंतर्गत एक मॉडल तैयार किया है जिसके बारे में आपको बताएंगे। आदित्य, गुड मॉर्निंग सर। मैं आदित्य गिलियर, कक्षा 8 का छात्र, राजकीय इंटर कॉलेज संजीखाल जनपद पौड़ी गढ़वाल से उत्तराखंड राज्य विज्ञान महोत्सव, राज्य विज्ञान गणित एवं पर्यावरण महोत्सव 2019-20 के उप विषय शैक्षिक खेल तथा गणितीय प्रतिरूपण पर अपने कुछ मॉडल बनाकर लाया हूँ। मेरे इन मॉडलों को बनाने का उद्देश्य यह है कि हम गणित जैसे कठिन से कठिन विषय को सरलतापूर्वक समझ सकें। मेरा प्रथम मॉडल है वृत्त। एक निश्चित बिंदु से खींचा गया एक गोल बंद वक्र, इसे हम वृत्त कहते हैं। वृत्त को मिलाने वाली वृत्त की बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा परिधि कहलाती है और परिधि द्वारा घेरा गया क्षेत्र क्षेत्रफल कहलाता है। परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर जाती है उसे हम व्यास कहते हैं। व्यास वृत्त खंड को दो बराबर भागों में बांटती है जिसे हम अर्धवृत्त कहते हैं, और व्यास की आधी त्रिज्या होती है जिसे हम केंद्र से केवल परिधि के एक बिंदु को छूने वाली रेखा भी कह सकते हैं। वृत्त की परिधि के किसी भी भाग को हम चाप कह सकते हैं। एक चाप और दो त्रिज्याओं से मिलकर बना ये क्षेत्र, इसे हम त्रिज्याखंड कहते हैं। परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र को छूकर नहीं जाती उसे हम जीवा कहते हैं। जीवा वृत्तखंड को दो अलग अलग भागों में बांटती है। इस छोटे वाले क्षेत्र को लघु वृत्तखंड और इस बड़े वाले क्षेत्र को हम दीर्घवृत्तखंड कहते हैं। छेदिका भी कुछ इसी प्रकार की होती है, किंतु छेदिका बाहर के बिंदु से आकर के वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करके चली जाती है, और एक स्पर्श रेखा इसमें जो होती है वो केवल बाहर के एक बिंदु से आकर परिधि के एक बिंदु को छूकर चली जाती है। एक स्पर्श रेखा के उस बिंदु से अनंत जो है स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब मेरा अगला मॉडल है मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेटर। यह कैलकुलेटर हमें सर जॉन नेपियर ने दिया था। इस कैलकुलेटर की मदद से हम बड़ी से बड़ी संख्या का गुणा कम समय में कर सकते हैं। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, मैंने एक लकड़ी के बोर्ड की कुछ ये छोटी छोटी टुकड़ियां ली हैं जिनमें मैंने कागज़ चिपका करके इनमें गुणज लिख दिए। जैसे पहले 1 से 9 तक गिनती लिख दी, फिर 2 के गुणज लिख दिए, फिर 3 के, फिर इसी प्रकार मैंने 9 तक के जो हैं गुणज लिखे हैं। आइए मैं आपको इसका कार्य दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर उदाहरण है 234, ये मैंने 234 ले लिया, 234 × 56, तो 56 हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा 56। इकाई के स्थान पर 6 है, इसीलिए हम 6 वाली पट्टी को पहले ध्यान में रखते हुए उसका गुणा करेंगे। जैसे हम गुणा में लिखते हैं वैसे इस प्रकार इसे यहाँ पर लिख देंगे। इस 4 के साथ कोई भी संख्या नहीं जुड़ रही, इसीलिए हमने इसे यहाँ पर वैसे ही लिख दिया। फिर 8 और 2, ये दोनों एक ही रेखा में आ रहे हैं, इसीलिए हमने इन दोनों को जो है जोड़ कर यहाँ पर लिख दिया। 8 और 2 10 होता है, इसीलिए यहाँ पर 0 लिख दिया। 1 कैरी यहाँ आ गया, 2 × 1 = 3, एक कैरी था वो 4, मिलाकर हमने यहाँ पर लिख दिया। इस 1 के साथ कोई और संख्या नहीं है, इसीलिए हमने इसे वैसे ही वहाँ पर लिख दिया। अब जैसे हम गुणा में करते हैं, दूसरी ढाई की संख्या का गुणा एक संख्या का स्थान छोड़कर, वैसे ही हमने यहाँ पर किया। 5 ढाई की संख्या पर इकाई में, इसमें यहाँ पर कोई भी संख्या 0 के साथ नहीं जुड़ती, इसीलिए हमने इसे वैसे ही लिख दिया। और 5 और 2, इन दोनों को जोड़कर 7 आता है, हमने उसे भी लिख दिया। फिर 1 और 0 को जोड़कर 1 आता है, उसे भी लिख दिया। इस 1 के साथ कोई संख्या नहीं है, इसीलिए हमने इसे वैसे ही लिख दिया। अब इन्हें जोड़कर आया 13104 इसका आंसर। हम इसी प्रकार कितनी भी बड़ी बड़ी संख्याओं का गुणा आसानी से कर सकते हैं। मेरा अगला मॉडल है सर्कल मशीन। ये सर्कल मशीन मैंने खासकर उन बच्चों के लिए बनाई है जो कि सर्कल ढंग से नहीं खींच पाते। कई बार वे सर्कल बनाते समय जो है गलती कर देते हैं, कभी पेंसिल हिल जाती है तो कभी जो है प्रकार की नोकी हिल जाती है, तो इस प्रकार से जो है ये अच्छे से गोला बनाती है। इसमें एक डीसी गियर मोटर है जो इस पहिए को, इस ढक्कन को घुमाने का काम करती है, और एक स्विच होल्डर और एक सेल होल्डर जो इसे पावर देता है। ये देखिए इसने कितना सुंदर जो है बिल्कुल सही जो है गोला बनाया। इसमें हम किसी भी कलर से पेंसिल जो है गोला खींच सकते हैं।
मेरा अगला मॉडल है जोकर। ये जोकर मैंने खासकर छोटे बच्चों के लिए बनाया है जो कि आकृतियों में पहचान नहीं कर पाते हैं। इसमें अगर आप आगे से देखें तो ये इसकी टोपी, शंकु, इसका सर और नाक ये दोनों गोलाकार, और इसका गला बेलन, और इसका पेट जो है वर्ग दिखता है, इसके हाथ पांव जो है आयत लग रहे हैं। अब इसे अगर चारों तरफ से देखा जाए तो ये इसका जो है, ये देखिए इसके हाथ पैर पूरे जो है घनाब है, और इसका गला बेलन, इसकी इसका सर और नाक जो है गोलाकार, और इसका टोपा जो है, इसकी टोपी जो है शंकुआकार की है। अब मेरा दूसरा मॉडल है पिरामिड विद स्क्वायर बेस। ये बाहर से दिखने पर एक घन लग रहा है, लेकिन जब हम इसे खोलते हैं इसके अंदर जो है 6 पिरामिड और 24 त्रिभुज जो है हमें दिख रहे हैं। इसका जो ये इसमें एक पिरामिड में 4 त्रिभुज हैं, और इसका बेस जो है वो वर्ग यानी स्क्वायर है। इसे जो हम घुमा करके इसमें अन्य खूबसूरत आकृतियां जो हैं हम बना सकते हैं। और भी इसमें जो है अन्य आकृतियां बन सकती हैं। और भी जो है इसमें हम अन्य खूबसूरत आकृतियां हम इसमें बना सकते हैं। अब मेरा अगला मॉडल है ये मून ट्रायंगल। ये मून ट्रायंगल मैंने बच्चों के लिए बनाया है ताकि वे खेल भी सकें और इसमें त्रिभुज और पिरामिडों का ज्ञान भी पा सकें। ये देखिए इसमें त्रिभुज और पिरामिड दोनों एक साथ मिले हुए हैं। इसमें 24 त्रिभुज और 6 पिरामिड हैं, और ये घूमने पर इसकी जो ये सुंदर सा खिलौना है ये बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित भी करेगा और इन्हें खेलने में मज़ा भी आएगा। अब मेरा अगला मॉडल है रेखाएं। ये देखिए पहली वाली माचिस की डिब्बी, आहा कितनी अच्छे से सरक रही है। ये देखिए अब दूसरी वाली की तरफ नजर डालते हैं, अरे इसने तो रंग बदल दिया। ये देखिए ये हरा धागा जो था ये नीचे चला गया, और ये पिंक जो था ये ऊपर को आ रहा था तो ये नीचे चला गया, ऐसा क्यों? अब मैं इसको आपका भेद बताता हूँ। ये देखिए इन माचिस की डिब्बियों के अंदर ये दोनों रेखाएं समांतर होकर जा रही थी, इसीलिए ये अपना रंग नहीं बदल रही थी। अब इसमें देखा जाए तो ये अंदर जाकर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही थी, तभी ये आपस में बाहर से जो है एक दूसरे का रंग बदल रही थी। समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, और जो है प्रतिच्छेद रेखाएं ये काट कर अपना जो है रास्ता बदल देती हैं। ये देखिए मैंने एक चार्ट भी बनाया है वृत्त पर, इसमें आप देख सकते हैं ये व्यास, इसका पहला चित्र व्यास, दूसरा है ये त्रिज्याखंड, और ये त्रिज्याएं, ये चाप, और ये जीवा है, ये छेदिका, ये जीवा ने दो इसके जो है भाग कर दिए वृत्तखंड के, ये बड़ा वाला हिस्सा जो है दीर्घ वृत्तखंड, ये छोटा वाला लघु वृत्तखंड, छेदिका भी वही दो भाग करती है वृत्तखंड के। ये देखिए ये अंदर का घिरा हुआ क्षेत्र ये क्षेत्रफल है, ये बाहर का ये देखिए ये है परिधि, और केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का हमेशा दो गुना होता है। यदि ये x है तो ये ये x है तो ये 2x होगा, और चाप पर बना कोण हमेशा जो है समान होते हैं। अगर ये कोण माना ये x है तो ये भी x ही होगा। अरे ये पिरामिड, ये पिरामिड 16 त्रिभुजों से मिलकर बना हुआ पिरामिड है। इसमें आप देख सकते हैं 16 त्रिभुज हैं, हर एक त्रिभुज जो है समबाहु त्रिभुज है, इसका हर एंगल जो है 60 का है। ओके थैंक यू। ये वाला तो हो गया, ये तो लगो ये हो।